हे एवरीवन, आज मैं पनीर झाल फ्रेजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पनीर झाल फ्रेजी पनीर की हॉट, स्वीट एंड स्पाइसी एक स्टर फ्राई डिश है जो खाने में बहुत ही मजेदार लगती है इसके यूनिक इंडियन एंड चाइनीज मिक्स की वजह से। एक बढ़िया झाल फ्रेजी में वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस भी रहती है, तो ये सब सुनकर आपके मुँह में पानी तो जरूर आ गया होगा। तो चलिए बिना देरी किए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है तो हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर लेंगे और फिर डालेंगे 1 टीस्पून खड़ा जीरा। जब जीरा स्प्लटर होने लगे तो इसमें डालेंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च जिसका डंठल मैंने अलग कर लिया है। कुछ सेकेंड्स इसे चला लेंगे और फिर डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का लिया है। जब प्याज का रंग हल्का गुलाबी सा आ जाए तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कट किए हुए लहसुन और फिर डालेंगे अदरक के जूलियन जो मैंने लिए है 1 इंच के करीब। अदरक को लंबे लंबे बारीक या सिर्फ छोटे छोटे बारीक भी कट करके डाल सकते हैं। आप 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है। गोल्डन ब्राउन होने में करीब करीब 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज का अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है और लहसुन और अदरक की कच्ची स्मेल भी जा चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। आप चाहे तो 1 हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। इसे कुछ सेकेंड्स के लिए चला लें और फिर डालें 1/3 कप टमाटो सॉस। फ्लेम को लो पर कर लेंगे और सॉस को कुछ सेकेंड्स के लिए चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून गोल मिर्च का पाउडर और साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक बहुत ध्यान से डालें क्योंकि जो टमेटो सॉस हम यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा नमक पहले से ही रहता है, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा ही डालें और फिर बाद में नमक एडजस्ट कर लें। फ्लेम को लो पे ही रहने देंगे और सभी मसाले को अच्छे से सॉस के साथ भून लेंगे। फिर डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पानी, या आप पानी के छींटे भी मार सकते हैं ताकि जो सूखे पाउडर मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाए। अब इसमें डालेंगे 1 जूलियन साइज में कटा हुआ प्याज, फिर डालेंगे 1/2 जूलियन साइज में कटा हुआ हरा शिमला मिर्च, 1/2 जूलियन साइज में कटा हुआ लाल शिमला मिर्च, आप पीली शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं इसे और कलरफुल बनाने के लिए, और साथ में डालेंगे 1 जूलियन साइज में कट किए हुए टमाटर। टमाटर के बीज को अलग कर इसे कट करना है हमें ताकि सब्जी में टमाटर का खट्टापन थोड़ा कम आए। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर सारी सब्जियों को फटाफट समय स्टर फ्राई कर लेना है करीब 1 से 2 मिनट के लिए। सब्जियों को हमें ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि अगर आप सब्जियों को ज्यादा पकाएंगे तो इसका जो क्रंच और कलर है वो बना नहीं रहेगा। तो क्रंच बना रहे इसके लिए सब्जियों को हमें 1 से 2 मिनट ही केवल स्टर फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। 1 से 2 मिनट इसे स्टर फ्राई करते हुए हो गए हैं तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब विनेगर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 200 ग्राम पनीर जिसे मैंने मोटे स्ट्रिप्स में 1.5 से 2 इंच के करीब कट कर लिया है। इनको लो टू मीडियम पे कर इसे अच्छे से मिक्स कर ले हल्के हाथों से। तेज चलाएंगे तो पनीर के टुकड़े टूट सकते हैं, तो इसे आराम से मिला लेंगे। पनीर को लगभग हमें 1 से 2 मिनट सब्जियों के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं पनीर में मसाले की अच्छी सी कोटिंग भी आ गई है। तो अब गैस ऑफ कर लेंगे और इसे हम गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते के साथ जो मैंने लिए है 1 टेबलस्पून के करीब। और ये लीजिए, बनकर रेडी है ये बिल्कुल यूनिक और चटपटी सी पनीर झाल फ्रेजी की डिश। पनीर झाल फ्रेजी को मेरे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जरूर बनाइए। एक बार इसे अगर आपने बना लिया तो बार बार बनाकर खाने का मन आपको जरूर करेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।